आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं नीड्स ऑफ करिकुलम। द फॉलोइंग पॉइंट्स डेमोन्स्ट्रेट्स द नीड्स ऑफ करिकुलम, यानी कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने में बहुत मददगार साबित होंगे कि हमें एक अच्छे करिकुलम की क्यों ज़रूरत है। फर्स्ट पे है जी अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स, सेकेंड इज फिक्सिंग लिमिट्स, थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, सिक्स्थ वन इज क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल कैरेक्टर्स, सेवन्थ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैथड्स, एट्थ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नाइन डिवेलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, टेंथ रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इलेवन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, एंड ट्वेल्थ इज सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। आइए इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इन पॉइंट्स को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स। करिकुलम हेल्प्स इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। विदाउट सुटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। करिकुलम मेक्स पॉसिबल टू डू एनीथिंग सिस्टमैटिकली। यानी कि करिकुलम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है एजुकेशनल एम्स को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। एक अच्छे करिकुलम के बगैर एजुकेशन के एम्स को हासिल करना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि करिकुलम हर चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि वो सिस्टमैटिक चलती रहे। अगला पॉइंट है हमारे पास फिक्सिंग लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को फिक्स कर देना। करिकुलम हेल्प्स इन फिक्सिंग द लिमिट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द वर्क ऑफ द टीचर एज वेल दैट ऑफ द पपिल। करिकुलम मदद करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो लिमिट्स हैं उसको फिक्स करने में। टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, वो डिटरमिन करता है करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर, सो इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी। अब इन तमाम वैल्यूज को जब वो डिवेलप करता है तो वो इंडिविजुअली भी करता है और ग्रुप वाइज भी करता है, यानी कि वो इंफ्रादी तौर पर भी उसको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं और ग्रुप में भी उसने अपनी इन वैल्यूज को कायम उदायम रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, एक अच्छा शहरी पैदा करना। सो डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन। तालीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक अच्छा शहरी पैदा करना, तो सुटेबल करिकुलम इसके लिए बहुत मददगार साबित होता है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अ सुटेबल करिकुलम इज वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। इट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, अ गुड एटीट्यूड एक्सेट्रास। आपके किरदार की तश्कील करना, एक जो सुटेबल कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है आपके किरदार को बनाने के लिए। किसी भी स्टूडेंट के किरदार को बनाने में एक करिकुलम बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, इसलिए कि ये इस काबिल बनाता है किसी भी इनफरादी तौर पर किसी एक शख्स को कि वो अडॉप्ट कर ले अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को, पॉजिटिव थिंकिंग को, अच्छे रवैये को और ऐसी बहुत सी अच्छाइयाँ जिससे आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार इंसान बन सकते हैं। सो क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल टीचर्स। The curriculum is mainly shows what type of teachers are available in schools. We should know what type of work they are required to do, and this is to be in accordance with the requirement of the curriculum. अब curriculum हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस criteria को बना सकें कि हमें किस किस्म के teachers required हैं। Curriculum basically show करता है कि हमें किसी भी school में किस किस्म के टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या रिक्वायर्ड काम टीचर्स से लेना है, लिहाजा हमारी इस रिक्वायरमेंट को करिकुलम पूरा करता है। अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड्स। अब करिकुलम बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है सूटेबल मेथड्स को सिलेक्ट करने में, इसलिए हमें एक अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है। करिकुलम मेक्स द टीचर टू सेलेक्ट द मेथड्स ऑफ टीचिंग। वो टीचर को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल मेथड्स को सिलेक्ट करें। हाउ टू टीच विल बी डिटर्मिंड व्हाट टू टीच, दैट इज द करिकुलम। करिकुलम क्या है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। अगला पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज।
curriculum helps the students in getting knowledge. By studying various subjects laid down in the curriculum, the students get knowledge in conformity with the abilities and level of intelligence. अब स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है, अब स्टूडेंट्स तो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अब करिकुलम स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि उनके अंदर किस किस्म की एबिलिटीज़ हैं, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और उन्होंने अपने आप को फ्यूचर में किस फील्ड में कंटिन्यू करना है। इसलिए हमें अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है वापस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एक अच्छा करिकुलम इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करता है, आपकी शख्सियत की तामीर करता है। So, curriculum is useful in developing physical, intellectual, aesthetic, social, cultural, moral, spiritual, religious and vocational abilities. ये तमाम abilities हमें एक अच्छे curriculum की मदद से मिलती हैं, इसलिए हमें एक अच्छे curriculum की ज़रूरत है। अगला point है reflects trends in education. एक अच्छे curriculum की हमें ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि वो आने वाले अच्छे trends education के अंदर accept करवाता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड्स इन एजुकेशन एंड चेंजेस इन फिलॉसफी। हमारी फिलॉसफी में चेंजेस लाने में बहुत मददगार साबित होता है। मॉडर्न एजुकेशन एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग डिमांड्स ऑफ एजुकेशन। हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी क्या डिमांड्स हैं? प्रोवाइडिंग सुटेबल नॉलेज, प्रोवाइडिंग सुटेबल एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, प्रोवाइडिंग होलसम इन्फ्लुएंसेस। ये हमारी जो एजुकेशनल मुतलिका डिमांड्स हैं, इन ट्रेंड्स को, इन डिमांड्स को फुलफिल करने में एक अच्छा, एक सुटेबल करिकुलम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए हमें एक अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। करिकुलम इज क्वाइट हेल्पफुल टू एनकरेज द रिसर्च, डिस्कवरीज एंड न्यू इन्वेंशंस। एक अच्छे करिकुलम की हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि एक अच्छा करिकुलम इनकरेज करता है रिसर्च को। जब रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्कवरीज ज़्यादा हैं, न्यू इन्वेंशन ज़्यादा होंगी। इसलिए हमें एक अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है, एक पावरफुल करिकुलम की ज़रूरत है ताकि हमारी रिसर्च आगे जाए, स्ट्रांगली तौर पे हम लोग डिस्कवरीज करें और बुनियादी तौर पे जो हमें इन्वेंशन की ज़रूरियात है हम उनको फुलफिल करें। अगला पॉइंट हमारे पास सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। अब हमें जो हमारी ज़रूरियात हैं उनकी सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए, तो एक अच्छा करिकुलम इन नीड्स के लिए, इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। करिकुलम इज एबल टू सेटिस्फाई द एजुकेशनल, वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशनल नीड्स होती हैं, वोकेशनल नीड्स होती हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो एक अच्छा करिकुलम उसको सेटिस्फाई करता है इन तमाम पॉइंट्स पर। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बच्चों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैरायटी है उनके पास, इंटरेस्ट की, स्किल्स की, एबिलिटीज़ की, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। इन नीड्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो एक अच्छे करिकुलम की मदद से पॉसिबल है। इसलिए हमें एक अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है, एक सुटेबल करिकुलम की ज़रूरत है, एक पावरफुल करिकुलम की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम मुतलिका वीडियोज़ आप तक बगैर किसी ताखिर के पहुँचते रहें। वीडियो को पसंद करने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।